हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज हम आए हुए हैं काली जगदीशपुर, मालती चौहान बिछड़ू राज के घर पे आए हुए हैं। यहाँ पे आए थे ऐसे देखने के लिए घर, पहले तो हम आ नहीं पाए थे जब मालती भाभी थी, तो अभी हम आप लोग को आगे दिखाएंगे उनका घर कैसा है। मतलब इस समय तो कोई नहीं है, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, एकदम वीरान पड़ा हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये मालती भाभी का जो बिछड़ू भैया का ये बुलेट है। यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये बुलेट आपको दिख रहा होगा, ये बुलेट है उनका। और ये यहाँ पे गाय वगैरह रहती थी, तो आपकी आपको हम दिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये उनका पुराना वाला घर है, नए वाला भी घर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं यहाँ पे ये पुराना वाला घर, जहाँ पे ये पहले देखिए vigo.in करके जो है चैनल, मतलब सोशल मीडिया ऐप था, तो इस पर इन्होंने काम किया था। यहीं से इनको प्लेटफॉर्म मिला था बहुत अच्छा काम करने का, सोशल मीडिया पर आने का। तो ये जो रूम आपको दिख रहा है, ये यहीं पे ये पहले लोग रहते थे, भाभी जी रहती थी, भैया रहते थे, तो बहुत अच्छा था। हम वीडियो देखते थे, उन्हीं से देख के हमें प्रेरणा मिली है। तो अभी और भी आगे इनके घर, जो नए वाला घर दिखाएंगे, कुछ लोग भी आए हुए हैं यहाँ मिलने के लिए, मतलब मिलने के लिए, देखने के लिए आए हुए थे। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये चाची हैं यहाँ पे, चाची जी हैं, ये विष्णु चौहान की, चाची जी विष्णु चौहान की, वो क्या है, मम्मी हैं विष्णु चौहान भैया, क्या हैं आप? बिछड़ू के, हाँ अब बिछड़ू खारू है सब जनी, कहाँ हैं आप? मम्मी हैं के? हाँ हाँ, नहीं मौसी है। मौसी, ये देखिए, ये विष्णु राज भैया जो हैं उनकी मौसी जी हैं। हाँ, ये यहाँ पे रहती हुई हैं। ये देखिए, उनके घर पे जो यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। ये नया घर बना था भैया का, ये उनकी मौसी जी हैं, यहाँ पे रह रही हैं, मतलब और कोई नहीं रह रहा है यहाँ पे, मौसी जी हैं। और काफ़ी, मतलब ये देखिए, लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए, जैसे आए थे यहाँ पे किसी काम से, तो पूछते पूछते चले आए देखने के लिए घर, क्योंकि पहले हम लोग देखे नहीं थे। हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, सिद्धार्थनगर ज़िला से आए हुए हैं, और ये लोग भी फरेंदा साइड से आए हुए हैं। फरेंदा साइड महाराजगंज में पड़ता है, लेकिन उसके बॉर्डर पर है पीपीगंज, तो वहीं से आए हुए हैं लोग। तो हम लोग सोचे कि घर देख लिया जाए, अभी विष्णु भैया तो है नहीं, भाभी जी, तो अब कहने में बड़ा संकोच हो रहा है कि भाभी जी है नहीं। हम लोग मिलने को तरस गए, मिल नहीं पाए, बहुत दिनों से आस लगाए थे कि मिल लेंगे। देखिए, कहते हैं ना कि जिनसे मिलने का मौका मिलता है वही मिल पाता है, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे चल के मिलेंगे भाभी जी से, चल के मिलेंगे भाभी जी से, नहीं मिल पाए। सौभाग्य हम लोग का नहीं ठीक था कि हम लोग भाभी जी से मिल पाए, तो हम जो है विष्णु भैया के मौसी जी से मिले हैं। तो आप कैसी हैं? अभी देखिए, मौसी जी भी, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब उदास हमेशा रहती हैं, मतलब क्या से क्या हो गया है, देखिए, मतलब नहीं अच्छा लगता है ऐसा कुछ। तो अभी आगे चलिए, आप लोग को जो है दिखाते हैं घर। और जो है देखिए, ये नया वाला घर यहाँ पे बना हुआ है, बहुत अच्छे से बनवाए थे विष्णु भैया। ये देखिए, इधर ये घर है, ये देखिए यहाँ पे घर है, ये बना हुआ है। फिर जो है अभी ये देखिए, ये जो है अभी फ़िलहाल तो इसी में रहते थे, ये वाले रूम में रहते थे, इसमें लॉक लगा हुआ है। मालती चौहान जी की ये किचन है। तो देखिए, ये न्यू वाला घर है। तो ये है मिस अनामिका, ये मेरी वाइफ है, इन्हीं के नाम से चैनल है अनामिका ऑफिशियल। आप लोग चैनल पे रहिए, तो बने रहिए, बहुत